उनको मैं इतना ही बस बताऊंगा कि आप आइए, कश्मीर का मजा लीजिए, कश्मीर आपको वेट कर रहा है, आप आइए और यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी है उसका आनंद लीजिए। କାଶ୍ମୀର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଡାଲ ଲେକ୍‌ରେ ବୋଟିଂ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ ଆସିବେ ବୁଲିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ, ଏଠି କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ଲାଗି ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛୁ, କାଶ୍ମୀରର ଡାଲ ଲେକ୍‌ରେ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍‌ରେ, ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ସିଏ କହିବେ କି କେମିତି ଏଠି କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ୍ୟା ନାମ मेरा ହେ? नाम यूसुफ है। क्या कहना चाहेंगे जो हाउस बोट में आप यहाँ पे रखे हैं, उसका नाम क्या है, कौन से जगह में? ये हाउस बोट न्यूज़लेखा है, न्यूज़लेखा हाउस बोट है। ये जीरो ब्रिज पे है, जो ओल्ड जीरो ब्रिज जो फेमस है, हेरिटेज जीरो ब्रिज कहते हैं इसको। यहाँ पर सब फूड कोर्ट वगैरह है और शाम को भी बहुत ही अच्छा नजारा होता है, और बैठने के लिए पुल पे जो ब्रिज है बहुत बैठ भी सकते हैं आराम तो से। सर से जो लोग आना चाह रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको मैं इतना ही बस बताऊंगा कि आप आइए, कश्मीर का मजा लीजिए, कश्मीर आपको वेट कर रहा है, आप आइए और यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी है उसका आनंद लीजिए। एक लोग सोचता है कश्मीर जाएंगे कितना खर्चा आएगा, एक मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, कितने खर्चे में मैं घूम सकता हूँ, उसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, यहाँ पर मिडिल क्लास से हाई फाई भी घूम सकता है, ऐसी बात नहीं है खाली हाई फाई घूम सकता है। ऐसे भी अकोमोडेशन है जो मिडिल क्लास के लिए मतलब अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जिसको भी आना हो मुझे कांटेक्ट करें, मैं अफोर्डेबल हाई जिसको हाई फाई आपके भी चाहिए। होटल और में एक बंदा रुकेगा, वो क्या नजारा देखेगा यहाँ पे, क्या? यहाँ पर वो देखिए, बोट हाउस पे हमारे पास पैकेजेस हैं, 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज, 5 नाइट 6 डेज, जिसमें गुलमर्ग कवर कर सकता है, सोनमर्ग कवर कर सकता है, पहलगाम कवर कर सकता है, दूधपत्री, श्रीनगर लोकल साइट्स इन शिकारा राइड जो डल लेक में, वो सारे कवर कर बजट क्या सकते। रहता है? बजट डिपेंड है ग्रुप का स्ट्रेंथ कितना है, वो ऐसे नहीं बता सकता मैं, वो देखना पड़ेगा। 2 लोग है तो ज्यादा सी होता है, 5 लोग हो गए तो कम रहता है, 7 लोग हो गए तो उससे कम रहता है, वो ग्रुप स्ट्रेंथ पे। देखिए, मिनिमम एक बंदा कितना लेके आएगा? एक बंदे को तो 10 से 20 हजार रुपया तो लाना ही पड़ेगा पूरा कश्मीर अगर, क्योंकि खाली पैकेज से बाहर भी घोड़े में खर्चा है, हॉर्स में खर्चा है, केबल कार में खर्चा है, वो तो लाना पड़ेगा उसको। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୋଟ୍ ହାଉସ୍ର ମାଲିକ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାଦୀ ଅଛି ତାର ମଜା ଉଠାଇବା ସହ ଡାଲ ଲେକ୍‌ରେ ଶିକାରା ରାଇଡ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଗୁଲମାର୍ଗ ସୋନମାର୍ଗ ଯାଇ ସେଠି ବରଫର ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଥିଲା ଏଠି, ନ୍ୟୁଜ୍ଲେଖା ବୋଟ୍ ହାଉସ୍, ଏଠିର ବି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ ଲିଙ୍କ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମୟ, ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାଶ୍ମୀରରୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଗିରି, ପିପିଲ ଓଡ଼ିଆ।